हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम समझेंगे एक्सेस ओपनिंग के शेप्स को, जो अलग अलग टूथ हैं उनके एक्सेस ओपनिंग के शेप को हम समझेंगे। मैंडिबुलर टीथ के और मैक्सिलरी टीथ के सभी के एक्सेस ओपनिंग के शेप और जो केनाल लोकेशन होती है उनको हम समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं, एक्सेस ओपनिंग के जो शेप्स होते हैं इनको हम समझते हैं। यहाँ पर आप कुछ फिगर्स देख रहे हैं, तो ये ऑक्लूजल सर्फेसेस के फिगर हैं। एक्चुअली ऑक्लूजल सर्फेसेस नहीं बोलना चाहिए, जो एक्सेस ओपनिंग के सर्फेसेस हैं उनके ये फिगर हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर्स है उनमें तो हम ऑक्लूजल सर्फेस में करते हैं, लेकिन जो इंटीरियर्स हैं उनमें हम ऑक्लूजल या इंसाइजल सर्फेसेस में ओपनिंग नहीं करते हैं। उनमें जो हम ओपनिंग करते हैं वो पोस्टीरियर पीछे वाले एरिया से करते हैं, लिंगुअल साइड से करते हैं, पैलेटल साइड से करते हैं। तो ये अलग अलग टूथ के शेप बने हुए हैं। अभी हम इनमें समझेंगे एक्सेस ओपनिंग के शेप के बारे में। तो जो इस रो में आप देख रहे हैं ये मैक्सिलरी टूथ हैं, मैक्सिलरी टूथ के शेप है, और जो इस रो में आप देख रहे हैं नीचे ये मैंडिबुलर टूथ के हैं। इनको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये है सेंट्रल इंसाइजर, ये मैक्सिलरी, ये मैंडिबल, सेम ऐसे ही होगा, ये मैक्सिलरी का, ये मैंडिबल का। ये सेंट्रल इंसाइजर, ये लेटरल इंसाइजर का है, ये कैनाइन का शेप है। इसके बाद ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकंड प्रीमोलर, ये फर्स्ट मोलार और ये सेकंड मोलार का शेप है। अब पहले मैं आपको इसके शेप्स बता देता हूँ, और जो भी शेप हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, आपको थ्योरेटिकली इसको समझना है। ज़रूरी नहीं है, जब हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही शेप मिलेगा और जो भी केनाल की लोकेशन है बिल्कुल वहीं पर केनाल्स मिलेंगी। लेकिन अगर हमें नॉर्मल पता होगा तो हम केनाल फाइंड आसानी से कर सकते हैं। उस शेप में हम जाकर जो भी हमारी कैविटी है, एक्सिस कैविटी है, जिस भी टूथ में हम कर रहे हैं, तो हमें शेप पता होगा तो उस शेप में हम केनाल को सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मैक्सिलरी के लिए है और ये मैंडिबुलर टूथ के लिए। सेंट्रल इंसाइजर के लिए जो शेप होता है ट्राइंगुलर, मैंडिबुलर के लिए ओवॉइड। लेटरल इंसाइजर के लिए जो शेप होता है रफली ओवॉइड, मैंडिबुलर के लिए ओवल। केनाइन के लिए मैक्सिलरी में ओवल शेप, मैंडिबुलर में भी ओवल शेप। फर्स्ट प्रीमोलर में ओवॉइड शेप और मैंडिबुलर में भी ओवॉइड शेप। सेकेंड प्रीमोलर में भी सेम है, ओवॉइड ओवॉइड शेप। फर्स्ट मोलर की बात करते हैं मैक्सिलरी में, तो ट्राइंगुलर शेप इसमें दिया हुआ है और मैंडिबुलर में ट्रेपेजॉइडल या रेक्टेंगुलर शेप जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड मोलर की अगर बात करें तो मैक्सिलरी में दिया हुआ है ट्राइंगुलर शेप और मैंडिबुलर में भी दिया हुआ है ट्राइंगुलर शेप। जनरली जो मैंडिबुलर टूथ हैं, जो मोलार्स हैं मैंडिबुलर, उनमें ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो चलिए अब जो फिगर्स बने हुए हैं उनमें हम शेप को देख लेते हैं और केनाल्स कहाँ फाइंड होती हैं वो देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको सर्फेसेस बता देता हूँ, कितने सर्फेसेस होते हैं और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जिस भी आप टूथ में देखेंगे, इससे मैं आपको समझा देता हूँ, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फेसियल सर्फेस होगा या बक्कल सर्फेस हम जिसे बोलेंगे, जिस भी उसमें ऊपर वाला है ये वाला सरफेस है, इनमें ये वाला जो सरफेस है ये फेसियल सरफेस या बक्कल सरफेस होगा। नीचे वाला सरफेस जो होगा वो पैलेटल या लिंगुअल सरफेस होगा। इसके ये साइड वाला जो होगा ये मीजियल सरफेस होगा, और ये जो साइड है ये डिस्टल सरफेस होगा। ये सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम समझते हैं कैसे शेप होगा। तो मैक्सिलरी की पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैक्सिलरी में सेंट्रल इंसाइजर, इसमें ट्राइंगुलर शेप का होता है कुछ ऐसा, जैसा ये टूथ का है वैसा, और केनाल जो फाइंड होती है सिंगल, सिंगल केनाल फाइंड होती है। वैसे ही लेटरल इंसाइजर में भी ओवॉइडल शेप का मिड में ही हमें मिलता है, केनाल भी सिंगल ही हमें मिलती है। केनाइन की अगर हम बात करें तो केनाइन में भी ओवल शेप का ही होता है लिखा हुआ है, और केनाल भी सिंगल होती है।
बीच में ही हमें मिलती है। शेप आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल इंसाइजर, लेटर इंसाइजर, कैनाइन, सभी में सिंगल कैनाल होती है। जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर होता है, इसका जो शेप होता है ओवॉइड शेप का होता है, और इसमें जो कैनाल होती है ऐसा ओवल शेप का होगा, ओवॉइड शेप का होगा, और जो इसमें कैनाल होती हैं वो दो होती हैं। आपको ध्यान रखना है जो ग्रूव्स है, ग्रूव्स के दोनों तरफ कैनाल फाइंड होती हैं, दो कैनाल इसमें होती हैं फर्स्ट प्रीमोलर में। इसके बाद सेकंड प्रीमोलर की हम बात करते हैं, तो सेकंड प्रीमोलर में भी ओवॉइड शेप, शेप लगभग सेम है प्रीमोलर्स के, और जो कैनाल फाइंड होती है सिंगल कैनाल मिड में। तो ये तो इजी होता है। अब आपको मोलार्स का समझना है, फर्स्ट मोलार और सेकंड मोलार का। तो फर्स्ट मोलार में जो ट्रायंगुलर शेप दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ट्रायंगुलर शेप का दिया हुआ है। कैनाल्स होती हैं जनरली चार, तीन या चार कैनाल होती हैं, जनरली होती हैं चार। जो मीजियल कैनाल है इनमें दो होती हैं, मीजियो बक्कल वन और मीजियो बक्कल टू, इसके बाद एक डिस्टल और एक पैलेटल कैनाल। तो जो ये सेंट्रल ग्रूव होता है इसके यहाँ पर मीजियल कैनाल होती है, ये बहुत पास पास होती हैं। डिस्टल कैनाल थोड़ा डिस्टली आपको मिलती हैं, और जो पैलेटल कैनाल है पैलेटल साइड इधर कहीं हमें मिलेगी। तो ऐसा एक शेप बन जाता है जो कुछ ट्राइंगुलर शेप का होता है, ऐसा कुछ शेप हमें ध्यान में रखना है। लगभग सेम मैक्सिलरी सेकंड मोलार में भी होता है, इसमें भी चार कैनाल्स, दो मीजियल कैनाल, एक डिस्टल कैनाल और एक पैलेटल कैनाल, लगभग सेम ही होता है, ऐसा कुछ शेप होगा। तो अब बात कर लेते हैं मैंडिबुलर टीथ की। तो मैंडिबुलर में लगभग ये देखिए सभी ओवल शेप की होती हैं, ओवॉइड, ओवल, ओवल, ओवॉइड, ओवॉइड, लगभग सेम शेप होता है। जो मोलार्स हैं उनमें ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। तो सेंट्रल इंसाइजर की हम बात करते हैं, कैनाल्स इसमें भी सिंगल होती है। मैंडिबुलर में जो भी प्रीमोलर तक के टूथ हैं 1, 2, 3, 4, 5 सभी में सिंगल कैनाल होती है, और लगभग इस शेप का होता है, ये देखिए। और जो कैनाल फाइंड होगी वो थोड़ा सा नीचे या मिड में फाइंड होगी, थोड़ा सा नीचे या मिड में। सभी में सिंगल कैनाल होती है। ये जो रेड मार्क कर रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कैनाल ओपनिंग्स को, कैनाल की ओपनिंग क्या होगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन लगभग ऐसा कुछ होता है, जो फिगर्स बने हैं लगभग ऐसे कुछ होगा। उसके बाद मेनली हमें समझना होता है मोलार्स को, मोलार्स को लेके प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट मोलार और सेकंड मोलार। तो फर्स्ट मोलार की बात करें तो ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है, इसमें कैनाल्स होंगी या तो तीन या चार। तो मैंने आपको सर्फेसेस बता दिए हुए हैं ऊपर, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। ये मीजियल सर्फेस होगा, ये डिस्टल, ये होगा लिंगुअल सर्फेस, और ये जो ऊपर है ये बक्कल सर्फेस। तो जो मीजियल कैनाल है वो यहाँ पर मिलेगी, मीजियो बक्कल कैनाल, मीजियो लिंगुअल कैनाल, और जो डिस्टल कैनाल है वो यहाँ पर होंगी डिस्टली। डिस्टल कैनाल या तो एक होगी या तो डबल होगी, या सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है। तो ऐसा कुछ शेप इसका बनता है एक्सेस ओपनिंग का। इस कुछ शेप की हमें एक्सेस ओपनिंग बनेगी। और जो सेकंड मोलार होता है वो भी लगभग सेम, दो कैनाल्स मीजियल और एक डिस्टल, या तो एक या तो दो डिस्टल कैनाल। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो अगर शेप्स आपको याद रखने हैं तो मैक्सिलरी के शेप ऊपर आप देख सकते हैं, और जो मैंडिबुलर टूथ हैं उनके शेप आप नीचे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जनरली आपको दिमाग में रखना है, जनरली समझ के रखना है कि क्या शेप होता है, कहाँ कैनाल्स फाइंड होती हैं, तो हमें इजी हो जाता है। और ये जो शेप हैं इनको आप याद कर सकते हैं, बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हमने एक्सेस ओपनिंग के शेप के बारे में समझा, जो एक्सेस ओपनिंग है उसके शेप कैसे होते हैं अलग अलग टूथ में। किसी और वीडियो में हम इसकी एनाटॉमी के बारे में भी समझेंगे, जो केनाल्स की एनाटॉमी होती है अलग अलग, उसके बारे में भी हम समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो जाकर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।